गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे नाजीवाद पर या हिटलर, एक ही बात है मैंने बताया। तो हमारा टॉपिक था कि नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, या ये जो नाजी पार्टी थी इसके जो हेड थे हिटलर, हिटलर सत्ता में किस तरह से आया। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया का था एडोल्फ हिटलर, हिटलर और जन्म हुआ इसका ऑस्ट्रिया में। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मनी के सैनिक के रूप में इसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके कारण इसे आयरन क्रॉस के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो पराजय हुई थी, इससे इसको बड़ा धक्का लगा था। और प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जो जर्मनी की पराजय हुई थी, इसका क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। ठीक है, और क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जिनके मध्य ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्र विशेषकर जर्मनी के साथ वर्सायी की अपमानजनक संधि की थी। ठीक है, और ये इस अपमानजनक संधि को खत्म करना चाहता था और सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई थी, तो इसने क्या किया था, राष्ट्रपति के पद को ही समाप्त कर दिया था और खुद क्या बन गया था, जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया था। अब देखिए कैसे, पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हुआ, पराजित हो गया, और फिर किस तरह ये प्रधानमंत्री के पद पर आया, फिर इसने राष्ट्रपति की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली और जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया। देखो इसने इतना कुछ किया है ना, फिर भी जनता क्या इसके खिलाफ बोली नहीं, क्या जर्मनी के लोग शांत रहे, क्या वो भी समर्थन दे रहे थे, इसको समर्थन दे रहे थे, तभी इसने इतना बड़ा ये काम किया और जिसकी वजह से सत्ता में भी आया। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि ऐसे क्या कारण थे कि लोगों ने इसको समर्थन दिया और ये सत्ता में आया। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हिटलर के उदय के कारण या हिटलर के सत्ता में आने के क्या कारण थे, किस तरह ये सत्ता में आया, क्या वो परिस्थितियां थी और क्या परिस्थितियां थी जो इसके अनुकूल थी और ये सत्ता में आ गया, और जर्मनी का क्या बन गया था, ये सर्वे सर्वा बन गया था। ठीक है, तो हिटलर किस तरह सत्ता में आया देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नाजी दल था, नाजी दल का ही जो उदय था या हिटलर का जो उदय था, ये हम कहें कि न केवल जर्मनी के इतिहास की अभी तो विश्व के इतिहास की एक आश्चर्यजनक घटना मानी जाती है। ठीक है, और इस आश्चर्यजनक घटना के क्या कारण थे, तो देखते हैं। पहला कारण जो मेन कारण माना गया है, वो माना गया है वर्सायी की अपमानजनक। ठीक है, हिटलर के सत्ता में आने के या नाजी दल के सत्ता में आने का जो पहला इंपॉर्टेंट कारण माना गया है वो है वर्सायी की अपमानजनक संधि। देखिए प्रथम विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया, हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में जो लड़ा गया था, इसमें धुरी राष्ट्र पराजित हुए थे, विशेषकर जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्सायी की अपमानजनक संधि की गई थी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने या विजित राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ अपमानजनक एक पक्षीय विश्वासघातपूर्ण और कठोर और प्रतिशोधात्मक वर्सायी की संधि की थी। ठीक है, और जो जर्मनी की जनता थी, ठीक है, वो इस संधि को अब जर्मनी के ऊपर या कह सकते हैं कि अपने ऊपर कलंक पूर्ण दस्तावेज मानती थी कि हम पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा है। वर्सायी की संधि को क्या मानती थी, एक कलंक पूर्ण दस्तावेज मानती थी। ठीक है, और जो जर्मनी की जनता है वो इस संधि का, इस संधि के द्वारा जो जर्मनी का अपमान किया गया था, उसको सहन नहीं कर पा रही थी। क्यों, क्योंकि इस
संधि के द्वारा जर्मनी के बहुत सारे उपनिवेश छीन लिए गए थे और जर्मनी का जो क्षेत्रफल था वो भी बहुत कम हो गया था। जर्मनी के अनेक प्रदेशों पर विजित देशों का अधिकार हो गया था। जर्मनी के बहुत सारे लोगों को अपने देश से क्या हाथ धोना पड़ गया था, ठीक है। और इस युद्ध के द्वारा जर्मनी का क्या कर दिया, इस संधि के द्वारा जर्मनी का क्या कर दिया गया था, बिल्कुल ही निशस्त्रीकरण कर दिया गया था ताकि जर्मनी फिर कभी सिर उठाकर खड़ा ना हो सके, ठीक है। और जो मेन बात थी वो ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध हर जाने के रूप में जर्मनी के ऊपर एक बहुत बड़ी राशि थोप दी गई थी, ठीक है। और जर्मनी इस राशि को चुकाने में क्या था, असमर्थ था। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी क्या हो गया था, बिल्कुल खत्म सा हो गया था। अभी उसे क्या करना था, अपना भी फिर से विकास करना था, ठीक है। और ऊपर से ये युद्ध हट जाना आ गया और इतना कलंकपूर्ण ये दस्तावेज था कि जो जर्मनी की जनता है इससे वर्साई की संधि को अपने देश के लिए अपमान मानती थी, ठीक है, और इसका बदला लेना चाहती थी, ठीक है। और जर्मनी की जनता इस अपमान का बदला लेना चाहती थी। और इस समय हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने क्या कहा, वायदा किया था आकर, क्या कहा आकर कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं, अगर हमें सत्ता मिल जाती है तो हम वादा करते हैं कि हम इस अपमानजनक संधि को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और जनता भी चाहती थी ये संधि समाप्त होनी चाहिए, अतः हिटलर और उसकी नाजी पार्टी को बहुमत मिला और इस तरह हिटलर क्या हुआ, सत्ता में आ गया, ठीक है। तो ये पहला कारण था वर्साय की अपमानजनक संधि, हिटलर के सत्ता में आने का, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरे कारण पे चर्चा करते हैं। दूसरा कारण था वाइमर गणतंत्र की असफलता, ठीक है। तो देखिए वाइमर गणतंत्र हम लोग जानते ही हैं क्या था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में क्या हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है, राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। और इस गणतंत्र का पहला अधिवेशन वाइमर नामक स्थान पर हुआ, इसलिए जर्मनी में जो गणतंत्र था इसका नाम क्या रखा था, वाइमर गणतंत्र, ठीक है। अब देखिए ये जो वाइमर गणतंत्र था ये जर्मनी के लोगों की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का समाधान करने में क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। अब देखिए गणतंत्र था तो चुनाव होते थे, तो वाइमर गणतंत्र के अंतर्गत जब चुनाव होते थे तो किसी भी पार्टी को क्या है, बहुमत नहीं मिलता था। और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था तो गठबंधन की सरकार बनती थी और ये जो मंत्रिमंडल थे, ठीक है, ये क्या है, बारी बारी बदलते रहते थे, आपस में क्या है, झगड़ते रहते थे, इन्हें जनता से कुछ भी लेना देना नहीं था, ये हमेशा क्या लगे रहते थे, अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे रहते थे, अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में रहते थे कि कहीं उस दल ने बहुमत वापस ले लिया तो हमारी सरकार ना गिर जाए, ठीक है। तो इनको जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं था वाइमर गणतंत्र को, ठीक है। और ये क्या है, अपना जो समय था बेकार के वाद विवाद में नष्ट करते रहते थे, ठीक है। जो कि जर्मनी की जनता क्या कहती थी कि जो वर्साय की अपमानजनक ये जो संधि हुई है इसके लिए वो वाइमर गणतंत्र को उत्तरदायी मानती थी, कि क्या कहना था कि वाइमर गणतंत्र ने ही जर्मनी के साथ इस अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इस तरह जर्मनी के लोग जो थे उनका वाइमर गणतंत्र से किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं था, खत्म हो गया था। क्यों, वाइमर गणतंत्र आया तो उन लोगों को बहुत उम्मीदें थी, भी गणतंत्र आया हमारे देश के साथ ही जो अपमान हुआ है इसका बदला लिया जाएगा, या हमारे देश के साथ कुछ अच्छा किया जाएगा, हमारी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। लेकिन वाइमर गणतंत्र ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, वो इस संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो वाइमर गणतंत्र ने किए थे। तो जर्मनी की जनता वाइमर गणतंत्र से नफरत करने लगी थी, उनको लगा था यही इस कलंकपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके आए हैं। तो लोगों का, जर्मनी के लोगों का वाइमर गणतंत्र से क्या हो गया था, विश्वास खत्म हो गया था, ठीक है। और उनको ये, जनता को ये लगने लगा था कि हिटलर की जो नाजी पार्टी है
वही इनकी समस्त हमारी मतलब कहने का भाव है जर्मनी की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकती है। ठीक है, अतः लोगों ने क्या किया, हिटलर की पार्टी को समर्थन दिया और हिटलर क्या आया, सत्ता में आ गया। ठीक है, तो इस तरह वाइमर गणतंत्र की असफलता और हिटलर का सत्ता में आना सफल हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो कारण पढ़े। तीसरा जो कारण है साम्यवादियों का भय, ये हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल हम साम्यवादियों का जो भय था या अन्य जो और कारण थे उसके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।